राम राम जय हिंद। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सबसे सस्ता प्रोटीन शेक, मतलब कि बहुत कम पैसों में आपको 10 से 15 रुपए में बनके तैयार हो जाएगा और इसमें आपको मिल जाएगा 10 से 13 ग्राम तक प्रोटीन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आज जो शेक बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे चना सत्तू और जो देसी छाछ या फिर मट्ठा, ठीक है। तो इन दोनों से हम ये शेक बनाने जा रहे हैं। और एक चीज़ हम ये बता दें, जो चना सत्तू है और मट्ठा है, इन दोनों के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो बहुत ज़्यादा तो हम बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आप ये स्ट्रेंथ बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन आपका ठीक करने में मदद करेगा, आपका जो भी गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा बेसिकली, ठीक है। और प्रोटीन का अमाउंट तो आपको मिल ही रहा है। तो इसको बनाने के लिए करना क्या है, हमें एक 200 ग्राम या 250 ग्राम का पाउच आता है, पैकेट आता है चना सत्तू का, आपके घर में ऐसे ही अगर बनता हो तो भी ले लेना। ये हमने सिर्फ पैकेट इसलिए खरीदा ताकि आपको हम क्वांटिटी पे प्रोटीन कितना मिलेगा वो दिखा सकें। तो इसमें जो आप देखोगे उसमें लिखा है 100 ग्राम जो आपका चना सत्तू है उसमें आपको लगभग 19 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम में, और ये जो पैकेट है वो है 200 ग्राम का। इसका मतलब इस टोटल पैकेट में हमें कितना मिल रहा है, 200 ग्राम का पैकेट है, तो इसका मतलब हमें 40 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिल जाएगा इस एक पैकेट से। अब जो इस पैकेट में हम कितना यूज़ करेंगे वो समझते हैं। तो एक सर्विंग आपकी 50 ग्राम तक आपका चल जाएगा चना सत्तू, आप पी लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट में उतना हैवी फील नहीं होगा 50 ग्राम में। तो 50 ग्राम चना सत्तू मतलब कितना प्रोटीन हो गया, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम प्रोटीन हमें यहाँ से मिल गया। अब जो देसी छाछ है, ये पैकेट आप जो भी नमस्ते इंडिया जो भी लाते हो, 200-250 ml का जो पाउच होता है, इसमें आपको 2 से 3 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है एक पैकेट में। अब हमें करना क्या है कि इसको चना सत्तू में इसी जो मट्ठा है या छाछ है इसको मिक्स कर देना है। तो टोटल प्रोटीन का जो अमाउंट हमें मिल गया वो मिल गया 13 ग्राम। और रुपए कितने पड़े, 10 रुपए का आपका ये छाछ है और इसी तरीके से आपको 25-30 रुपए का पैकेट ये मिल जाएगा सत्तू का, जिसमें कि 5-6 रुपए कॉस्ट उसकी पड़ जाएगी। मतलब कि 17 रुपए के अंदर आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, वो भी एकदम मतलब सेफ प्रोटीन, इसमें कोई भी इस तरीके का नहीं कि कुछ मिलावट हो, ठीक है। क्योंकि आप छाछ भी घर पे भी बना सकते हो और आप सत्तू भी घर पे बना सकते हो। अब इसको बनाने के बाद आप इसमें बढ़िया से कुछ काला नमक ऐड कर दो या फिर भुना हुआ जीरा जो होता है उसको क्रश करके उसको पाउडर बना के उसको मिक्स करके पी सकते हो, और ये आप डेली पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये अगर डेली पियोगे तो कोई दिक्कत देगा, नहीं, इसको आप डेली पी सकते हो। अब तो गर्मियां हैं तो ये ठंडक देगा, तो इसको आप डेली गर्मियों में पी सकते हो और 10 से 13 ग्राम प्रोटीन आप एक बार में ले सकते हो। तो ये आपका छोटा सा वीडियो था अपने देसी सप्लीमेंट के बारे में, और इस तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे, लेकिन आप लोग ये ट्राई जरूर करना। और अगर पेट में कुछ दिक्कत हो इससे तो आप अपने चना सत्तू जो है उसकी क्वांटिटी कम कर देना, कई बार क्या होता है किसी की गट हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो आप उसमें चना सत्तू का अमाउंट कम कर देना, लेकिन बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी इसी टॉपिक के, ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।